हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कवरी। तो क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवर्ड बाय हुगो वॉन मोहर, और उन्होंने क्या बताया क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट डिस्क शेप का दिखता है, उन्होंने कुछ ऐसा बताया। और उन्होंने बोला कि ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि लीव्स जो है वो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तो लीव्स को ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब वो फोटोसिंथेसिस होती है तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, सन एनर्जी जो सन लाइट है उसको ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या फंक्शन है इनका स्टूडेंट, तो ये CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। बाहर से CO2 जो है वो लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब करने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रैनम और स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। अब ग्रैनम और स्टोमा जो है उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, साइट फॉर लाइट रिएक्शन। ग्रैनम जो है वो क्या है, साइट फॉर लाइट रिएक्शन। तो जितनी भी स्टूडेंट लाइट रिएक्शन होती हैं वो ग्रैनम की वजह से होती हैं। एंड स्टोमा जो है उसकी वजह से क्या होता है, साइट फॉर डार्क रिएक्शन। तो ये डार्क रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होप स्टूडेंट आपको क्लोरोप्लास्ट का सबसे समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो क्लोरोप्लास्ट जो है स्टूडेंट, सबसे पहले उनका क्या फंक्शन है कि इनको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही इनकी वजह से ही क्या होता है, प्लांट्स के अंदर फूड फॉर्मेशन होती है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को। इट हेल्प टू मेंटेन O2 एंड CO2 लेवल इन नेचर। तो स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, नेचर के अंदर CO2 एंड O2 का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कुछ ऐसा नजर आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी हम जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसके पास भी स्टूडेंट होती है दो मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। और स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होती है थोड़ी सी, आप देख सकते हो, दिस इज क्रिस्टे जंक्शन, जो आपको क्रिस्टे जंक्शन दिखाया हुआ है, ये सारी की सारी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद स्टूडेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन कि इनके पास अपना डीएनए राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। एंड स्टूडेंट इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट आगे मैं आपको बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया का सही नेम क्या है, इनका निकनेम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट इनके अंदर छोटे छोटे से राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सारा का सारा इनका जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है अंदर से, सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो होप स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है। तो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको डिस्कवर किया था अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, इसको अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका दूसरा नाम, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनका मेन फंक्शन होता है एटीपी सिंथेसिस। ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं, मतलब एनर्जी फॉर्म करते हैं। और स्टूडेंट हम देखेंगे कि एनर्जी फॉर्म कैसे होती है और वो एनर्जी क्यों चाहिए होती है, वो क्यों बनती है एनर्जी।
नेक्स्ट है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन ऑल एरियोबिक यूकेरियोट्स एंड एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसीज। अब ये भी सारे के सारे एरियोबिक यूकेरियोट्स, एरियोबिक यूकेरियोट्स का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं, उन्हीं यूकेरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मतलब जिनके अंदर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, उन्हीं के अंदर ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसीज। तो मेमेलियन आरबीसीज का क्या मतलब है स्टूडेंट, तो मेमल्स जो है स्टूडेंट, मेमल्स जो है वो क्या होते हैं, विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चों को जन्म देते हैं। हम देखते हैं ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एग से बड़े होते हैं, एग से फॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ का बर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, उनका बर्थ होता है। कैट के बच्चे आप देख सकते हो, उनका बर्थ होता है। डॉग के बच्चे, उनका बर्थ होता है, वो एग से नहीं निकलते, ठीक है। इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स, बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, मिल्क ग्लैंड, ठीक है। वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, है ना, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स। तो मैमल्स के जो आरबीसीज होते हैं, मतलब उनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं, उनके अंदर एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड एरियोबिक प्रोटोज, एन एरियोबिक प्रोटोजोन, तो जितने भी एनएरोबिक प्रोटोजोन है, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस नहीं लेते, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया किनके अंदर होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। एंड स्टूडेंट, इट कंटेन एंजाइम नेसेसरी फॉर टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो इनके पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, अपने एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब जो आप स्टूडेंट खाना खाते हो, वो खाना क्या होता है, टूटता है, उसको तोड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो आपने वो खाना खाया है उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद क्या करता है, हाई अमाउंट की एटीपी जो है वो उसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एटीपी जो है स्टूडेंट फॉर्म होता है। तो वो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, एक एनर्जी की टाइप है स्टूडेंट। आपकी बॉडी के अंदर काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, जब आप खाना खाते हो। तो आप खाना क्यों खाते हो, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, जो भी आपने डेली काम करने वो होने चाहिए, इसीलिए आपको एनर्जी चाहिए। तो वो आपको एनर्जी कौन दे रहा है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली जो आपने खाना खाया उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज करने के बाद हाई अमाउंट में एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। तो वो जो एटीपी सिंथेसिस हो रही है वो क्या है, वो एक तरीके की एनर्जी फॉर्म हो रही है, और वो ही एनर्जी आपको खाना खाने के बाद मिलती है। तो उसी को हम बोलते हैं कि हमें खाना खाने के बाद पावर मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा जनरल सा स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। और आउटर मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट वो कैसी होती है, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस का मतलब होता है उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं। होल्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से अच्छे से मटेरियल जो है उसको पास आउट कर सके, और बाहर से मटेरियल जो आ रहा है वो अच्छे वाला आए, ठीक है, इसलिए। तो पोरस होती है उनकी मेम्ब्रेन, मतलब उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी फोल्डेड होती है, और फोल्ड होने के बाद वो क्या बनाती है, क्रिस्प। और माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको बताया कि इनके पास अपना डीएनए होता है, राइबोसोम, और अपने एंजाइम होते हैं। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी सेल ऑर्गेनेल कौन सी है जिसके पास अपना डीएनए, अपना प्रोटीन, ठीक है, अपना राइबोसोम, अपने एंजाइम होते हैं। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड प्लांट सेल जनरली हैव प्योर माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल। तो प्लांट्स के मुताबिक, प्लांट्स के मुकाबले इनके पास क्या होते हैं, बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो एनिमल सेल के पास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और प्लांट सेल के पास बहुत कम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला क्या फंक्शन है, कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम
कंटेन करते हैं, मतलब जो एंजाइम रेस्पिरेशन के लिए, कौन सी रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। स्टूडेंट ये 10th क्लास के लिए सभी ने याद रखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। एक तो होता है ना बाहर, बाहर होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से O2 जो है वो अंदर जा रही है बॉडी के, फिर बाहर आ रही है CO2, ठीक है, तो वो क्या हो गई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, उसको हम टिश्यू और सेलुलर लेवल की रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो उसमें हमें कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी फॉर्म करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पोजेसेस एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, तो बॉडी के अंदर फैटी एसिड की फॉर्मेशन भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन जो है स्टूडेंट ये अमाइनो एसिड फॉर्म करता है किससे, ऑर्गेनिक एसिड से। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेचर की तरफ से, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और इनसे ही बनते हैं अमाइनो एसिड, और वो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है स्टूडेंट लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है स्टूडेंट कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं आपको, लाइसोसोम के पास भी अपने एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और इनके बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर मतलब टू लेयर्स होंगी, और वो किसकी बनी है, फॉस्फोरस प्लस लिपिड्स की बनी है इनकी आउटर मेम्ब्रेन, और इनके अंदर क्या होता है, एंजाइम एंड प्रोटीन। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट जो लाइसोसोम है उसको किसने डिस्कवर किया, सी डी डुबे ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। एंड देन इनका अदर नेम क्या है स्टूडेंट, इनको बोलते हैं डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल, और इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको सुसाइड बैग, क्या ये सुसाइड कर लेते हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट ये सुसाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, ये अपने ही अंदर के मटेरियल को क्या करते हैं, वो जो मटेरियल है उसको ये खा लेते हैं, अपने ही मटेरियल को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग और डिस्पोजल बैग। डिस्पोजल बैग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितना भी सेलुलर मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है सेल्स का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट ये कहाँ कहाँ मिलते हैं लाइसोसोम, एनिमल सेल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और हमारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल्स जो हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल वो है WBCs, तो उनके अंदर होते हैं, फैगोसाइटिक सेल के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। फैगोसाइटिक सेल कौन से होते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है, तो बीमारियों से बचाने वाले जो सेल है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, बाहर से कोई अगर फॉरेन पार्टिकल आए हैं तो उन पार्टिकल के साथ फाइट करना इनका काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये प्रोटोजोआ, फंगी और मेमेलियन आरबीसीज के अंदर नहीं होते, प्रोटोजोआ फंगी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन किसमें नहीं होते, मेमेलियन आरबीसीज के अंदर ये नहीं होते, ठीक है, ये याद रखना है। और प्लांट सेल जो है उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब स्टूडेंट इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लाइसोसोम आर स्मॉल जनरली स्फेरिकल वेसिकल्स, तो ये कुछ राउंड शेप के दिखते हैं, हमें स्फेरिकल से दिखते हैं, और इनके अराउंड सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और अपना ही कंटेंट जो है उसको खा जाते हैं, इसलिए ये बर्स्ट हो जाते हैं। और बर्स्ट जब ये होते हैं तो क्या करते हैं, ये जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है, जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है, और जितना भी सेलुलर कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स और डिस्पोजल बैग। नेक्स्ट स्टूडेंट फंक्शंस क्या है इनके, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, लाइक बैक्टीरिया और वायरस अगर आपकी बॉडी में आ गए हैं तो उनको खत्म करने का काम करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, रिमूविंग डेड एंड बर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनेल्स बाय डाइजेस्टिंग देम, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो पुरानी सेल ऑर्गेनेल्स हैं
ठीक है, उनको खत्म करते हैं और जितना भी सेल का कंटेंट है उसको खत्म करते हैं। और स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। तो आपने देखा होगा जो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, तो उसमें से जब सबसे पहले क्या होते हैं, लार्वे फॉर्म होते हैं। लार्वे के बाद कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर लार्वा जो है वो क्या करता है, वो अपने ही शेल को खा जाता है। तो वो जो अपने ही शेल को खाने का प्रोसेस है वही क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लार्वल स्टेजेस में लार्वा क्या करता है, लार्वा छोटे से लार्वे से एडल्ट बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो अपने ही सेल को खा जाता है। ठीक है, तो इसलिए लाइसोसोम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो लार्वा है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन है लाइसोसोम का ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस में। अब ड्यूरिंग स्टार्वेशन, स्टूडेंट जब आपको भूख लगती है, भूख लगने के बाद क्या होता है, अगर आपको खाना नहीं मिला, तो खाना नहीं मिला तो क्या आप मर जाते हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है, तब लाइसोसोम प्रोटीन जितना भी स्टोर है बॉडी के अंदर, जितना भी कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है, उनको तोड़ते हैं और उनसे क्या करते हैं, सिंपल शुगर जो है वो बनाते हैं। और जब वो सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज वो फॉर्म होता है, तब हमारी बॉडी को फिर से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो वो स्टोर्ड मटेरियल को लाइसोसोम क्या करते हैं, उनको सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ते हैं, तभी जो है हमें एनर्जी मिलती है बिना खाना खाए भी। ठीक है, तो आप एक दिन ना खाना खाओ, दो दिन ना खाना खाओ, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम जिंदा ही नहीं रहते। तो वो जो हम जिंदा रहे हैं एक दिन दो दिन, है ना, तो वो किसकी वजह से है, ड्यू टू लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारा खाना जो है वो स्टोर रहता है, तो उस स्टोर खाने को क्या करते हैं, तो स्टोर खाना कौन सा होता है हमारी बॉडी का, रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में चेंज करने में लाइसोसोम बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इनकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इनके अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। ठीक है, तो एक फ्लूइड फिल होता है इनके अंदर, तो ये वैक्यूल जो है अपने अंदर फ्लूइड स्टोर करके रखते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको जो है इनका जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। और स्टूडेंट जो वैक्यूल है उसका सेकेंड नेम क्या है, स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। इनको क्या बोला जाता है, स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये खाना स्टोर करके रखते हैं, ये कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, कुछ फ्लूइड्स को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट वैक्यूल जो है उनको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, फेलिक्स दुजरदिन। ठीक है, फेलिक्स दुजरदिन इन 1860 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया। एंड स्टूडेंट वैक्यूल किसमें होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये एनिमल सेल्स के अंदर टेम्परेरी होते हैं, मतलब थोड़ी देर के बाद ये फंक्शन करने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर बहुत बड़े भी होते हैं और परमानेंट होते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट नेक्स्ट इनकी स्ट्रक्चर, तो वैक्यूल जो है स्टूडेंट नॉन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब इनका कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, दे डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है इनके अंदर, तो इनके सबसे पहले तो बाहर मैंने आपको बता दिया एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और इनके अंदर एक फ्लूइड एक लिक्विड जो है वो फिल्ड रहता है, स्टोर रहता है, तो ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए इनका अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, सेल सैप। तो होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा वैक्यूल्स का। तो ये नॉन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेली है, मतलब इनके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, और इनकी आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इनका जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल सैप, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड और लिक्विड। नेक्स्ट स्टूडेंट वैक्यूल जो है वो तीन तरीके के होते हैं। वैक्यूल कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के वैक्यूल होते हैं। सबसे पहले है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल क्या करते हैं,
शुगर, अमाइनो एसिड और सॉल्ट को स्टोर करके रखते हैं। सेकंड, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्टूडेंट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है, और एक्सक्रीशन में। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आपने लिखना है यहाँ पे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना बॉडी के अंदर। वही प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। एंड एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो स्टूडेंट, इनका फंक्शन जो है कुछ लाइसोसोम जैसा होता है। जैसे लाइसोसोम क्या कर रहे हैं? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही इनका क्या काम होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। इसलिए ये एक्सक्रीशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। और स्टूडेंट, ये बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे एनिमल्स को हेल्प करते हैं मूवमेंट में, इसीलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। मूवमेंट मतलब सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या फिर सीलिया और फ्लैजेला की वजह से जो एनिमल्स हैं उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात। नेक्स्ट है स्टूडेंट फंक्शन। तो सबसे पहला तो फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन स्टोरेज, तो बहुत सारे जो चीजें हैं उनको स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, इसीलिए इनको स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये सेल्स का वेस्ट जो है उसको बाहर निकालते हैं, और पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। मतलब बाहर से पानी जो है उसको लेने का काम करते हैं। मतलब प्लांट जो है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोड साइड पे प्लांट होते हैं, तो वो ऐसे ही आपको ग्रीन ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, जब बारिश आती है तो एक साथ अपना जो पानी है, बारिश का जो पानी है, एक साथ उसको स्टोर करके रख लेते हैं। देन जब उनको जरूरत होती है तो उसको यूज कर लेते हैं। तो अब जो पानी है प्लांट के अंदर वो कहाँ पे स्टोर हो? इन्हीं वैक्यूल्स के अंदर वो पानी स्टोर होता है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये क्या करते हैं? पानी को जो प्लांट है, ठीक है, उसको स्मूथ, मतलब उसको सॉफ्ट एंड हार्ड रखने का काम करते हैं। एंड देन स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। तो ये बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट पेरोक्सिसोम, जो लास्ट सेल ऑर्गेनेल है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स की लास्ट सेल ऑर्गेनेल है पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम भी आप देख सकते हो, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। इनके अंदर जो है वो एंजाइम होते हैं, ठीक है, और इनके लेयर्स, जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी है? लिपिड्स की। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर होते हैं एंजाइम, और अंदर एक कोर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन कोर। तो ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। अब पेरोक्सिसोम कहाँ पे होते हैं? तो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, और लिवर और किडनी सेल्स एनिमल्स के जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, हैव प्लेंटी ऑफ पेरोक्सिसोम। तो लिवर सेल और किडनी सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा है मैंने आपको बता दिया, ये ओवल शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, और इनके अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और जिसमें क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ठीक है, और इनके सेंटर में एक कोर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन कोर, ठीक है, और वो जो क्रिस्टलाइन कोर है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, एक तरीके की वो प्रोटीन ही है। और स्टूडेंट इसके क्या फंक्शन है पेरोक्सिसोम के? पेरोक्सिसोम कंटेन मेनी पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम दैट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी बायोकेमिकल। तो बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने का, उनको ऑक्सीडाइज करने का काम कौन करते हैं? पेरोक्सिसोम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उनको ऑक्सीडेशन करने का काम कौन करते हैं? यही पेरोक्सिसोम। और ये बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं पेरोक्सिसोम।
नेक्स्ट स्टूडेंट नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, इसमें सबसे पहले नाम आता है राइबोसोम का। तो राइबोसोम स्टूडेंट देखने में कुछ ऐसे होते हैं। तो राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज यूनिट, ठीक है, और एक होता है स्मॉल यूनिट, ठीक है। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। तो डिस्कवरी इसकी किसने की थी? इसको डिस्कवर जॉर्ज एमिल प्लांटे ने। राइबोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज एमिल प्लांटे इन 1950 में, ठीक है। तो उन्होंने 1950 में जॉर्ज एमिल प्लांटे ने इसको डिस्कवर किया था राइबोसोम को, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर इनको डिस्कवर किया था। और स्टूडेंट इनका दूसरा नाम तो मैं पहले ही आपको बता चुकी कि इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो बॉडी के अंदर ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन स्टूडेंट ये मैच्योर स्पर्म के अंदर और मेमेलियन आरबीसीस के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट स्टूडेंट राइबोसोम जो है वो कैसे दिखते हैं? तो ये बहुत ही स्फेरिकल और ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है, बहुत डेंस स्ट्रक्चर होती है। तो अगर आप सेल के अंदर राइबोसोम को देखो तो ये बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए दीज आर डेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड राइबोसोम जो है स्टूडेंट इनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और इनके पास भी स्टूडेंट अपना आरएनए, ठीक है, थ्री टाइप्स के आरएनए जो है हम देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए है ना, तो वो सारे के सारे आरएनए जो है इनके अपने हैं, और ये प्रोटीन जो है उनको भी फॉर्म करते हैं। तो इनके पास अपने आरएनए और अपने प्रोटीन होते हैं।